शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य शहर के गरीब लोगों को रहने के लिए नए मकान बना कर देना है, लेकिन इसके लिए गरीबों को बैंक कर्जा लेना है। बढ़ते ब्याज का कर्जा लेना गरीबों की समस्या बनी हुई है, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना आखिरकार किसके लिए बनाई जा रही है, ये सवाल अब भी बना हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी आवास योजना है जो शहर भर में ऐसे लोगों के काम में आ रही है, जिनका अपना खुद का मकान नहीं है। ऐसे गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तकरीबन कुल 70,000 फॉर्म NMRDA में भर दिए गए थे, उसमें से 10,156 फॉर्म को अवैध बताया गया था। सभी से 100 रुपए एक फॉर्म का भी लिया गया था, जिसे लाखों रुपए फॉर्म के रूप में जमा हुए हैं। 3,000 नागरिकों को नंबर गाला अलॉट किए गए, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के नियम नागरिकों के लिए सिरदर्द बना है। 30 साल के लिए लीज नहीं चाहिए, बल्कि माल की हक से दिया जाए और 4,15,000 कीमत के इंस्टॉलमेंट के हफ्ते भी दिए जाए, ऐसी मांग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले नागरिकों ने कही है। शहर के नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ घरकुल एक ऐसा निर्माण करके देने वाले थे, जिसके चलते उनको अपने खुद का एक छत उन लोगों को चाहिए था, जिसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक घरकुल की योजना बनाई गई थी, जो सस्ते दामों पे ऐसे गरीब जरूरतमंद और इन लोगों को वो देना था। लेकिन अफसोस कि अब तक के प्रधानमंत्री आवास योजना की ओर से जो कमिटमेंट किया गया था घरकुल योजना के तहत, इन्हीं जो मकान जो मिलने वाली थी वो मिली है नहीं मिली है, क्या हुआ है, आइए जानते हैं शहर के नागरिकों के जुबानी। मैम आप बताइए क्या कहना चाहोगी। मोदी सरकार द्वारा जो आवास योजना अंतर्गत स्कीम निकाली, उसमें जो हमको घर अलर्ट हुए हैं, उसकी पहली किस्त हमको 6,67,000 रुपये है। 6,67,000 रुपये तो हमको पहले बताया नहीं था कि इसके ब्याज दर है या कुछ बैंक फाइनेंस करना, ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया था। शुरू में बताया था कि ये गरीब जनता की स्कीम है, गरीब जनता जो कामगार लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये स्कीम है। और आज ये मोदी सरकार हमको इस तरह से प्रचारित कर रही है, और मेंटली और फाइनेंशियली हम पहले से ये है परेशान है, और ये लोग हमें इतने ये बोलते हैं कि अपने को एक सपना दिखाया जा रहा है, आज वो सपना हमारा चूर हो रहा है। सर मैं एक ऑटो चालक है, मला एक घरकुल योजना तर्फे एक फ्लैट मिळाला है, पण माझं इन्कम आणि तो बँकेत जाओ तो बँकेत म्हणतात की मला RTI पाहिजे। आता मी एक ऑटो चालक असताना मी RTI कुठून देणार आहे, आणि बँक लोन पास करत नाही आहे, आणि लोन पास केलं तरी ते मला परवडणार लायक नाही आहे, तरी माझं स्वप्न साकार झालेले नाही आहे। आप क्या कहना चाहोगे, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको मकान मिला है, क्या कहा गया था योजना में और अब क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम गरीब जनता को बताया गया था कि ये फ्री कॉस्ट में आपको घर अलर्ट होगा, और फ्री कॉस्ट में अलर्ट होने के बाद जो 10,000 और 20,000 के नीचे जो कमाई करने वाले लोग हैं वो RTI भर नहीं सकते हैं, और बैंक फाइनेंस के लिए कोई अगर जाता है तो उनको बोला जाता है कि 2-3 लाख के ऊपर आपको लोन नहीं पास किया जाएगा। तो दूसरी बात ऐसी है कि जब हम लोग गडकरी साहब के घर में गए थे, जनता दरबार में गए, तब गडकरी साहब ने हमारे से यहाँ पे राजकारण मत करो, मेरे 10 बाप भी आए तो इसको बदल नहीं सकते, ऐसे उनके जो वाक्य थे, हम गरीब लोग कहाँ से उनको फेस करेंगे। तो ये बात सब जनता के माध्यम से मैं ये चैनल वालों को बताना चाहता हूँ, और इनके वजह से मोदी सरकार और राज्य सरकार को हम बताना चाहते कि गरीब जनता के साथ छल मत करो। चलिए अब हम नागपुर सुधार समिति के समन्वयक प्रवीण राउत है हमारे साथ, उनसे जानेंगे। राउत जी ये बताइए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना ये जो योजना है, क्या इन जो गरीब लोग हैं शहर के इनको पूरी तरह से वो आवास योजना का लाभ मिला है नहीं मिला है, क्या कहना चाहोगे? नहीं, आवास योजना का लाभ यानी प्रक्रिया चालू है, प्रक्रिया में लाभार्थी भी चुने गए हैं, लेकिन मूलभूत अधिकार पूर्तता की जहां तक बात है, मूलभूत अधिकार पूर्तता ये मूल अधिकार है नागरिकों का, जो अधिकार के लिए सरकार नामक शासन प्रशासन नामक सिस्टम तैयार की गई है, तो उनका वो मूलभूत अधिकार है, मूलभूत कर्तव्य है जो नागरिकों के लिए उन्होंने पूर्तता करना चाहिए, निवारा यानी घर। और घर किसको चाहिए, तो जिसकी आर्थिक अवस्था नहीं है उसको, वो कैसा समाज का वो वर्ग, मेहनत करने वाला वर्ग है, मजदूर वर्ग है, तो ऐसे अवस्था में उनके हिसाब से अगर समझो
व्यवस्था नहीं होती है, तो फिर ये योजना किसके लिए है? तो ये योजना के उद्देश्य के ऊपर ये सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारी ये नागपुर की जनता है और वो खुद भुक्तभोगी है, उन्होंने पैसे भर के फॉर्म लिए हैं, फॉर्मेलिटी की है और इंस्टॉलमेंट के लिए वो जब बैंक में जाते हैं तो बैंक अधिकारी उनको विविध कारणों से वापस और निराश कर देते हैं। तो ये नागरिकों के अधिकारों का हनन है, इसके ऊपर सीरियसली केंद्रीय सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो ये जो भी पदाधिकारी है आपस में समन्वय करके ये नागरिकों की समस्या सुलझाना चाहिए। सरकार इन लोगों को कब न्याय देती है ये तो देखने वाली बात होंगी, लेकिन एक बात तो तय है कि जहां एक बार कमिटमेंट किया जाता है उस कमिटमेंट को पूरा नहीं शहर में होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि घरकुल योजना एक ऐसी योजना जो सरकार ने काफ़ी सोच समझ के इस योजना को बनाना चाहा, अब तक के वो बन चुकी है लेकिन अलॉटमेंट इनको अब तक के नहीं किया गया है, क्योंकि रुपए की चीज़ अब 5 रुपया बेची जा रही है और यही बात कहीं ना कहीं इन लोगों में खल गई, जिसके चलते अब ये लोगों ने सरकार के विरोध में आंदोलन करने का मन बना लिया है। एक और सरकार है तो दूसरी ओर शहर की जनता है, अब दोनों के बीच कैसे कोऑर्डिनेट होगा ये तो समय ही बताएगा। नागपुर से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।